के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सातवें चरण के चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, सदर लोकसभा के लिए एक प्रत्याशी ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। डीएम ने कहा 24 लोगों ने लिया 41 पर्चे, एक प्रत्याशी ने किया है नामांकन। 22 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया की सुरक्षा तैयारियों का एसएसपी ने लिया जायजा, कहा प्रत्याशी निर्भीक होकर करें नामांकन, सुरक्षा के यहां व्यापक इंतजाम। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन 23 अप्रैल को करेंगे अपना नामांकन पत्र दाखिल, लोगों को भारी संख्या में पहुंचने की अपील। सातवें चरण के चुनाव की तैयारियां हुई पूरी, गोरखपुर और बांसगांव संसदीय चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन। जिलाधिकारी ने कहा दिव्यांग मतदाताओं के लिए बने हैं 3870 बूथ, व्हील चेयर की भी है सुविधा। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण, सीडीओ ने कहा त्रुटियों को दूर करते हुए सकुशल संपन्न कराएं मतदान। जिले की दोनों लोकसभा सीटों के लिए सोमवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, एडीएम सिटी ने कहा जिला प्रशासन की तैयारियां हैं पूरी। आपदा प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर आयोजित हुई क्लाइमेट सेल कमेटी की बैठक, जिले में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने पिपराज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में किया रोड शो, केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील। राजवंशी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम के विवाद पर आईएमए ने रखा अपना पक्ष, मीडिया से बदसलूकी पर मांगी माफी। भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक, सदर लोकसभा सीट से घोषित प्रत्याशी रवि किशन के नामांकन दाखिला में भीड़ जुटाने की अपील। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक, एसडीएम सदर ने कहा मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक करें मतदान। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर हिंदू युवा वाहिनी के मंडल स्तर की आयोजित हुई बैठक, भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के पर्चा दाखिला में ताकत झोंकने के लिए बनाई गई रणनीति। और जन विकास पार्टी सेकुलर गोरखपुर सदर से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, श्री नाम प्रकाश श्रीवास्तव को गोरखपुर सदर से प्रत्याशी किया घोषित।